दोनों लड़ रहे हैं। देखो चांदी दा जबरदस्त समझ नहीं आ रहा है गाइस, राधे राधे। आप लोगों को साथ है एक और नए और जबरदस्त ब्लॉग में। आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होगे, माता रानी की कृपा आप पे बरस रही होगी। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं, आप भी बज चुके हैं सुबह के 9:30 और अभी अपना कोई काम नहीं, 9:30 बजे तक लेटा गाइस। और आज ब्रेकफास्ट में सबका खाने का मन है व्हाइट सॉस पास्ता, क्योंकि मैं बना रही हूँ। तो पास्ते के लिए आप लोगों को दिखा देती हूँ मैंने क्या किया है। तो अभी जो है यहाँ पास्ता उबाल के देखो रख दी हूँ, और यहाँ अपनी सब्जी हो रही है फ्राई। तो सब्जी को फ्राई होने देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। गाइस देखो मम्मी का पूरा क्या है, ये है क्या, ये बटर है, बटर में मैदे को भून दी हूँ अच्छे से। ये क्या है, ये है दूध। अब इसको अच्छे से सॉस बनाऊंगी, व्हाइट सॉस, इसी से बनता है व्हाइट सॉस। ओके मैम, अब एक काम कर रैपर भी डाल दो। ठीक है डालो, बाद में डालूंगी, बनने के बाद तुम्हारे में सर्व करने, सर्विंग में डालूंगी। बेबो ने एक प्लेट ऑलरेडी खा चुकी है, इसको और खाना है। कितना खाएगी रे? देखो भाई साहब, मैंने मैथ्स का बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, बस एक चैप्टर रह रहा है, 3 चैप्टर थे, 2 चैप्टर कर लिया था भाई। आज भाई 2 दिन की छुट्टी, मस्त मजे करेंगे। और गाइस देखो यहाँ पे आ चुका भाई साहब मस्त व्हाइट सॉस पास्ता, गए आज का ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में जो भी खेलो भाई, यहाँ पे मस्त व्हाइट सॉस पास्ता गया भाई। मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है, आज मुँह में पानी बहुत तेज आ रहा है, फिर मस्त खा रहे। तो बेबो ने तो खा लिया अपना व्हाइट सॉस पास्ता है, टेस्ट करके वाओ। कि तुम्हें देखोगी पूरा दिन, हम ना देखे, हम ना देखे तुम्हें दे। ये कौन सा तरीका है बैठने का, पहले देखा ब्लॉग बना रही हूँ, पैर उठा के बैठ गई। मेरा तो हाथ मेरा है, मैं जिसको मर्जी लेती आऊँ। अरे लाइट नहीं आ रही भैया, फोको बढ़िया मस्त वाली। हाँ भाई थोड़ी, वैसे तो तू काला है तो काला ही आ रहा है भाई। ट्यूशन वाली दीदी 7 दिन में आएंगे ना, आज तगड़ा ब्लॉग पूरा ट्यूशन का बनाऊंगी। आ चुकी है अपनी चाय, चाय में बहुत सारी वैरायटी की नमकीन और मस्त चाय, तो चाय पीऊंगी। ये देखो सब व्हाइट सॉस पास्ता खा खा के कैसे नाच रहे हैं गाइस, दोनों लड़ रहे हैं। हेलो क्या है ये, क्या बेबो चली जा, चलो यहाँ बैठो। हाँ तो बैठो, लेकिन उसके पास मत जाओ, अलग अलग बैठो, अलग अलग बैठो दोनों। कुत्ते क्यों मारा रे, क्यों मारा कमीने हरामदार। मैं बैठा पहले, वही मार के गई थी, तो पहले मारी, तू कट गया। तो मैंने नहीं कटा, नहीं तभी तो मारा। अच्छा मारा, कुत्ता मान रहा है कि मारा, मान रहा है, दोबारा तो मारा। कमीना कहेगा काम करने जा रहे हो बेटा? नहीं। अच्छा ठीक है। भाई अभी भैया यहाँ रेडी है फुटबॉल खेलने के लिए, अपने बैग वैग हो देखो, हेलमेट भी लाया था मेरे को जाने के लिए, लेकिन मैंने तो भाई मना कर दिया क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, तो मेरे को भीगना बिल्कुल भी नहीं है बाहर बारिश में, तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला भाई तुम रैपिडो बुक करके तुम चले जाओ, ये रैपिडो बुक कर रहे थे, अभी मैं बाहर जाके देखी थो रही थी बारिश, मैंने बोला एक बार कोच से बात कर लो तब जाओ, तो बात करेगा, देखते हैं क्या बोलते हैं सर। हेलो सर, आज वो गोल बक्सर में आना, तो बारिश तो नहीं हो रही, अच्छा करा दो क्लास, बारिश हो रही तो अच्छा, मतलब है ना। हम निकल चुके अपने क्लब के लिए, और भाई मौसम तो बिल्कुल अच्छा हो रहा है, आज खेलने में बहुत मजा आने वाला है, पर बारिश भी हो सकती है तो वो अलग बात है भाई। मौसम क्या, मैं लेके चल रही हूं ना। अच्छा गए, देखो मम्मी लेके चल रही है आज। तो गाइस अभी हम क्लब पहुंच गए, और भैया देखो ये चला जा रहा है, इसको कोई मित्र मिल गया बाहर ही, तो फटाफट से पहुंचते हैं ग्राउंड में और दिखाते हैं गेम आप लोगों को। गाइस अभी मौसम तो बहुत लाजवाब है, और ये लोग कर रहे हैं अपना रनिंग वगैरह, एक्सरसाइज कर रहे हैं अभी, लेकिन अभी तो मौसम थोड़ा सही था, बारिश भी हल्की हो रही है, देखो पूरा गीला पड़ा है ये देखो तो, लेकिन अभी जो है अभी तो पूरी गर्मी होने लगी है, हालाँकि नीचे तो गीला पड़ा है पूरा, लेकिन अब बच्चे खेलेंगे। लेके आई हूँ भैया, रैपिडो कर रहा था, काफ़ी देर से मिली नहीं रही थी, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही चली चलती हूँ, तो मैं और बेबो को अकेले छोड़ के आई हूँ, पाड़े जी घूमने चले गए, सीपी भी ने बताए, तो भाई वो उनकी लाइफ, मेरी लाइफ तो जिम्मेदारी वाली है, मैं तो आ गई फटाफट भैया को लेके यहाँ, क्योंकि रैपिडो मिल नहीं रहा था, भैया था परेशान। ये देखो बंदर पानी पी रहा है, देख रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये देखो बंदर बहुत ज़्यादा है गाइस यहाँ पे, ये देखो
देख रहे हो पूरा लाइन लगा पड़ा है, वो देखो ये, वो देखो ये, वो देखो पूरा, ये देखो ये देखो। जो जूता मेरा अंदर से भी गीला हो रहा था तो मैंने फटाफट इसको यहाँ पे उतार दिया। अब इन लोगों को मैच शुरू होने देते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोगों को। भाई मैं जो वहीं टहल रही थी, बंदर रील बना रही थी, बंदर बिल्कुल पास में आ गए, मैं तो जो धड़कन तेज हो गई भाई, ये देखो। तो गाइस कोई गेम नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों को क्या दिखाऊँ, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं है, केवल चार बच्चे हैं, तो इधर से उधर ये देखो दौड़ ही रहे हैं, तो इसमें कुछ दिखाने वाला चीज़ तो है नहीं। फिर किसी दिन आप लोग फुटबॉल का ब्लॉग दिखा दूंगी। बाबा तो कहीं घूमने गए भाई। महारथी पापा आज एक और जंग जीत के लड़के आ चुके। पापा कैसा लग रहा है आपको? जंग लड़के नहीं आए हैं, एंजॉय करके आए हैं। अच्छा भाई चलो भाई, एक बार इसको कितनी छोटी फ्लिगर इसमें दिखा, इसमें ठीक है। अरे यही तो गई जहाँ पे आ चुका है, ये शर्ट है। वाह, ये किसके लिए लाए हो? ये क्या, एक जींस, ये बेबो का होगा, ये किसका है? ये पापा का है, ये सब मिस्टर ग्रेस का है। देखो यहाँ पे क्या, अपने लिए कैप भी लिए, ये क्या है गाइस, ये भी एक जी पैंट। बस आज का चुका है गाइस डिनर, गाइस आ चुकी है ट्यूशन की छुट्टी भी इसके साथ साथ, क्योंकि दीदी आप नहीं आएंगी ट्यूशन में दीदी, और कल ही अपना सारे खत्म करेंगे। वैसे मैं तो मैथ्स में तीन चैप्टर आ रहे हैं, एक ही चैप्टर आ रहा है, कल आराम से बैठ के खत्म करूंगा। बाकी अभी 10 बज रहे गाइस, बस अपना वाइस ऑफ पास्ता खा लेते हैं। चलो बच चुके हैं भाई रात के भाई 11:15 हो रहे गए, इस वक्त खत्म करने का टाइम आ चुका है गाइस, क्योंकि पापा मम्मी और बेबो तीनों के तीनों सारे कमरे में सोने चले गए हैं, बाकी सोया कोई नहीं है तीनों में से, तीनों के तीनों पर कैथी कर रहे हैं, बट यहाँ पर मैं बैठा हूँ, यहाँ पे अपने काम कर रहे हो गाइस, बिजनेस से मतलब रखता हूँ मैं, मजाक कर लो गाइस। फिलहाल गाइस कल का मिलता हूँ, तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो नहीं देखी थी होगा, इसमें क्या आप कहाँ देख रहे हो। फिलहाल कल के ब्लॉग में मिलता हूँ मैं, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आठ और चाक भी लग रही है, तो बाय बाय बाय, कल मिलता हूँ।